मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम के सभागार में जंगल कोड़िया के 5 किसानों को गेहूं के उत्तम बीज 2967 का वितरण किया। गेहूं के बीज प्राप्त करने वालों में विकास खंड जंगल कोड़िया के कुशहरा गांव निवासी दीपचंद मुराती, राम कृपाल, अजय कुमार और अवधेश कुमार शामिल रहे, जिसके संबंध में किसान दीपचंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने 2967 गेहूं के बीज को महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किसानों में वितरण किया है। इस बीज को अपने खेतों में बुआई करके इसका पैदावार जानेंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं के इस उत्तम बीज से 1 एकड़ में लगभग 22 कुंतल गेहूं की पैदावार होगी और किसानों के फसलों के उपज में बढ़ोतरी हो सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीज प्राप्त करने वाले किसान दीपचंद और अवधेश कुमार ने कहा, डॉक्टर संजय सिंह सर हैं, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का वितरण कार्यक्रम ये सुनिश्चित हो पाया है। 5 किसानों को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा देने जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर से पुत्रण कृषि विज्ञान केंद्र परिसर से किया जाएगा और न केवल वितरण किया जाएगा, साथ ही साथ ये जो HD 2967 नाम की प्रजाति है जो आज के समय में लगभग उत्तर प्रदेश के 50% से भी ज़्यादा हिस्से पे आज किसान इसको बोता है, बहुत ही अच्छी उपज क्षमता है, इसको कृषि विज्ञान केंद्र से भी अवधेश कुमार, मुख्यमंत्री जी ने हमें बीज दिया है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से ये हम लोगों को ये प्रदान हुआ है और ये 2967 बीज है, इसको हम लोग बोएंगे, इसका पैदावार हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ हो जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पैदावार अभी इसको हम 2967 बोएंगे, उसके बाद इसका पैदावार बता सकते हैं कि क्या है। हैं, गेहूं का बीज है। कहना चाहेंगे मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को बीज प्रदान किए। दीपचंद, गेहूं का बीज दिया है और हम लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे पहले भी दिया है? ये पहले नहीं, पहली बार भी दिया। लगभग 1 एकड़ में 22 कुंतल गेहूं।